अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम ट्रेवल में आप सबका खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान मोमल अरशद। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी इमारत के करीब जो कि कहा जाता है कि इंसानों ने नहीं बल्कि इसको फरिश्तों ने तामीर किया है, और फरिश्तों ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में इसको तामीर किया गया है। आपने इंसानों की बनी हुई बिल्डिंग्स देखी होंगी, आर्किटेक्चर्स देखे होंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी देखी होंगी, लेकिन ये वो वाहिद इमारत है जो कि फरिश्तों ने बनाई है। और आज जो है ना, हम आपको उसका विजिट कराने के लिए आए हैं। इसकी जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मुल्तान छंग रोड के करीब जो है ये लोकेटेड है। और इसकी खास बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि इसकी छत मौजूद नहीं है, और इस पर कई तामीराती काम भी किए गए हैं छत पे, लेकिन वो छत टिकती नहीं है, वो टूट जाती है किसी ना किसी तरीके से। तो आइए चलिए आज आपको एक ऐसी ही इमारत दिखाते हैं जिसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है और एक जो है लोगों का पर्सपेक्टिव भी है। आइए चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह का है और किस तरह से ये बनाया गया। इस वक्त जो है हम दरबार के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, और अगर देखा जाए इसकी बिल्डिंग को देखा जाए तो ये जो बिल्डिंग है इसका जो नक्शो निगार है उससे देख के लगता है कि ये बहुत बारीकी से काम किया गया है और किसी इंसान के हाथ का काम नहीं दिखता। ये जो है लग रहा है कि ये ऑब्वियसली किसी और मखलूक ने बनाया गया। अंदर जब दाखिल होते हैं तो इसके इर्द गिर्द में देखते हैं कि जो बिल्डिंग है वो इस वक्त जो है ना दोबारा रिनोवेट की गई है। पहले ये बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में थी, लेकिन जो है यहाँ पर जो सारे कदीमा के जो महकमे हैं और जो भी महकमा औकाफ का महकमा है वो जो है इसको देख रहे हैं और इसकी बिल्डिंग को जो है ना दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं। चारों तरफ जो है इसकी रेनोवेशन का काम जारी है, और जब करीब आते हैं इसकी बिल्डिंग के करीब आते हैं और जब यहाँ पर अगर इसकी यहाँ पर जो यूज मटेरियल यूज किया गया उसकी बात करें या ईंटों का जो इस्तेमाल किया गया है, वो जो ईंटें हैं वो नॉर्मली ईंटें नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर जब इवेलुएशन की गई है सारे कदीमा जो है महकमा उसकी तरफ से, इस ईंट की इवेलुएशन जो है वो नॉर्मल ईंट से की गई थी। तो नॉर्मल ईंट जो अंदर जो भी वो मवाद इस्तेमाल किया हुआ था या मटीरियल यूज था वो इस मटीरियल से बहुत ज़्यादा अलग था। हमने जब यहाँ पर आए और यहाँ पर इस बिल्डिंग का ओवरव्यू लिया, जायजा लिया, तो हमें देखा कि यहाँ पर जो है जो कुरानी वर्सेस हैं वो लिखी गई हैं, और इसके साथ साथ जो है ना कलमा लिखा गया है, और जो है अल्लाह ताला के नाम जो है ना वो इसके अंदर लिखे गए हैं, और बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। और ये काम जब ये मालूम होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रात में बनाया गया है, तो इंसान का दिमाग जो है ना इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि एक रात में जो है ना कोई इंसान या कोई आर्किटेक्चर जो है ना ये इमारत बना सकता। यहाँ पर दरबार के अंदर, मज़ार के अंदर जो है ना दरबार भी मौजूद है, और वो दरबार की भी अपनी एक कहानी है। यहाँ पर लोग डिफरेंट जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट इलाकों से दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर मन्नतें मानते हैं, और कहा जाता है कि उनकी मुरादें पूरी भी हो जाती हैं, और जब उनकी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर मौजूद जो फरिश्ते हैं उनका आकर जो शुक्र अदा करते हैं और उनको अपना जो है ना आकर अपने गिफ्ट्स देते हैं और अपनी मुरादें जो है ना वो जिनके लिए मुरादें मांगते हैं उनको साथ लेके आते हैं। जब हम यहाँ पर अंदर मज़ार के अंदर एंटर हुए तो देखा कि यहाँ चारों तरफ जो है वो मीनार टाइप जो गुंबद बनाए गए हैं जिसके ऊपर जो है ना वो छत की शेप के हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर छत मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई तामीराती काम भी किए गए हैं डिफरेंट महकमों की तरफ से, लेकिन यहाँ पर छत नहीं कामयाब हो सकी, किसी न किसी तरीके से वो टूट फूट का शिकार हो जाती है और यहाँ छत जो है नहीं टिकती। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि छत ना होने के कई लोगों का ये कहना है कि छत ना होने के बावजूद भी जो है पहले यहाँ पर बारिश का पानी जो था वो एंटर नहीं होता था, ये जो ज़मीन थी ये खुश्क रहती थी, लेकिन अब लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि अब जो है बारिश का पानी एंटर भी होता है और यहाँ जो ज़मीन है उस पर भी पड़ता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लोग जो है ना उनकी कुछ मिथ हैं कि जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये लोगों का कहना है कि ये जो है अगर वो अपने घुटनों पर लगाएंगे, जोड़ों पर लगाएंगे तो उनका जो दर्द है वो दूर हो जाता है और उनको शफा मिलती है, और कई लोग ये करके गए हैं और उनके अकॉर्डिंगली भाई ये जो है वो लाजमी उनको शफा मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पर नमक भी कुछ रखा गया है कि कुछ मकदार में, और इनका भी कहना है लोगों का कि इससे भी जो है ना उसको शफा मिलती है, खाने से उनको शफा मिलती है, और कई लोगों को है वो इससे शफा मिली है जो कि बाद में आके उन्होंने यहाँ पर बताया। तो जब यहाँ पर एंटर हुए देखा गया कि यहाँ पर एक कब्र भी है जो कि कहा जाता है कि शेख मोहम्मद सादिन की कब्र है, जिनकी जो वफ़ात थी वो 674 में हुई थी। इसको इनको वली भी माना जाता है, और लोगों का कहना है कि बहुत मजहबी ताल्लुक था इनका, और इनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से भी था, और शाही ख़ानदान का जिनसे ताल्लुक था वो भी मजहबी था और बहुत ज़्यादा गहरा था।
शेख सादिन के बारे में ये कहा जाता है कि शेख गैसुद्दीन जो थे बलबन, शेख गैसुद्दीन बलबन जो उनके बेटे थे, उन्होंने 1286 में मंगोलों के साथ जंग लड़ी थी और उस जंग में जो थे वो शेख सादिन ने उनका साथ दिया था, उनके साथ मिलकर लड़े थे और जो है ना उसी दौरान जो है ना इनकी वफात भी हो गई थी। और इसके साथ क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो मजहबी ताल्लुक है शाही खानदान के साथ, तो शाही खानदान इनको बहुत ज़्यादा मानते थे और इन्हीं की याद में इनकी खिदमात की वजह से जो कि इन्होंने शाही खानदान को सर पेश की, इसके लिए जो है ना उन्होंने इनका मज़ार बनाया और जो है ना उनका मज़ार बना के लोगों के लिए जो है ना एक जगह बनाई जहाँ पर लोग आके जो है ना उनकी याद में या उनके बारे में जान सकते। यहाँ पे दरवाजा मौजूद है जिसपे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के धागे और मुख्तलिफ किस्म की चूड़ियाँ बांधी गई हैं और जो इनका लोगों का कहना है, यहाँ पर जो मौजूद मतवलियाँ उनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो बच्ची और बच्चा के मन्नत मानते हैं शादी ब्याह की, और इसके साथ साथ जो है ना उनकी बाद में जो है ना मन्नतें पूरी भी हो जाती हैं। और इसके साथ साथ एक और दरवाजा यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर सेम उसी तरह से धागे और कपड़े बांधे गए हैं जो कि मन्नतों और मुरादों को जो है ना वो दिखाते हैं। मेरे अकब में जो है एक दरख्त मौजूद है जहाँ पर देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के हार कुल्ले और चूड़ियाँ बांधी गई हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया के लोग यहाँ पर आके मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, धागे और डिफरेंट किस्म की चूड़ियाँ जो हैं वो लटका के जाते हैं। और फिर यहाँ इस दरख्त को जो है लोगों से पूछा तो कहा जाता है कि जब उनकी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर आकर अपने कुल्ले हार या चूड़ियाँ जो हैं दुपट्टे जो हैं वो आकर दोबारा बांध दिए जाते हैं। अगर दरख्त की तरफ देखा जाए, इसके एक ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा जो है ना यहाँ पर जो है वो कुल्ले दुपट्टे और चूड़ियाँ मौजूद हैं, जिससे ये मालूम होता है कि वाकई लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं और वो आकर दोबारा जो है ना इसकी गवाही दे। इस मज़ार के दो पर्सपेक्टिव हैं, एक ये जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो कि बताता है कि यहाँ पर जो है ना ये मज़ार शाही ख़ानदान ने जो है शेख सादिन की याद में उनकी खिदमात जो पेश की थी उनकी याद में ये बनवाया, और दूसरा पर्सपेक्टिव लोगों की मिथ्स का है जो कि उन्होंने खुद क्रिएट की हैं और उनका कहना है, उनके जो बड़े थे जो उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो फरिश्तों ने तमीर किया था, एक रात में तमीर किया था, लेकिन उसके बाद जो है ना एक बुढ़िया रात को उठ खड़ी हुई जिसके बाद जो है ना वो फरिश्ते चले गए, उसके बाद जो है ना ये मज़ार जो है ना कंप्लीट नहीं हो सका। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं यहाँ पर मौजूद लोगों को पता होगा या जो लोग जो है यहाँ पर मन्नतें मुरादें पूरी होने के बाद आते हैं उनको मालूम होगा। अपनी मेज़बान को अगली वीडियो के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।